नमस्ते। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि समान काम समान वेतन की याचिका पर जीत नियोजित शिक्षकों की सुनिश्चित है। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश संगठन विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 7 अगस्त को राज्य के प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्षों का पक्ष बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से जाने माने अधिवक्ता कपिल सिब्बल अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि समान काम समान वेतन के लिए याचिका में राज्य के नियोजित शिक्षकों की जीत सुनिश्चित माना जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में ही समान काम के लिए समान वेतन देने का निर्णय दिया जा चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगातार बेतुके तर्क प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसका खंडन अधिवक्ता कपिल सिब्बल और न्यायाधीशों द्वारा किया जा रहा है। सबसे बड़ा आरोप जो लगाए जा रहे हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों की तरफ से कि राज्य व केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगातार बेतुके तर्क प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसका खंडन अधिवक्ता कपिल सिब्बल और न्यायाधीशों द्वारा किया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि सरकार चाहे कितना भी कुचक्र रच ले, नियोजित शिक्षकों को उनका अधिकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मिलकर ही रहेगा। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की पूरी कमेटी राज्य दिल्ली में बनी हुई, इसमें की हर हाल में जीत राज्य के नियोजित शिक्षकों की होगी, क्योंकि इनका पद संवैधानिक है और नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन मिलना यह उनका संवैधानिक अधिकार है। साथ ही आप सबको जानकारी होगा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही समान काम के बदले समान वेतन देने का जो है निर्णय दिया जा चुका है। इसी के आधार पर माना जा रहा है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को भी समान काम के बदले समान वेतन दिया जा सकता है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने भी यह आदेश दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले में नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देने का निर्णय दे चुके हैं। फाइनली राज्य सरकार चाहे कितना भी कुचक्र रख ले, नियोजित शिक्षकों को उनका अधिकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मिलकर ही रहेगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त 2018 को होने वाली है। तो दोस्तों, इस अपडेट में बस इतना ही। थैंक यू।